1965 की जंग दिफाई तारीख का दरख्शंदा बाब, आज बहादुर सपूतों को खराज तहसीन पेश करने का दिन। मुल्क में यौम दिफा मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मसाजिद में नमाज फज्र के बाद मुल्क की सलामती की दुआएं, मजार कायद और मजार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। जीएचयू रावलपिंडी में यौम दिफा की मरकजी तकरीब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की यादगार शहादा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शहादा पर तकरीब, नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की शहादा के अहले खाना से मुलाकात। लाहौर पाटापुर में यादगार शहादा पर तकरीब, रेंजर्स के दस्ते की सलामी। पाकिस्तान अमन का अलम बरदार, उसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम दिफा पर दुश्मन को पैगाम, कहा हर कीमत पर मादे वतन के चप्पे चप्पे का दिफा करेंगे, शहदा और गाजियों को सलाम। पाकिस्तान की तरफ बढ़ता हर कदम, हर हाथ काट देंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा मियां नवाज शरीफ ने दुनिया का दबाव ठुकरा कर पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। दिफा और मुर्शिद समेत हर शोबे को मजबूत बनाएंगे। पाकिस्तानी कौम का इतिहाद दुश्मन का हर नापाक मनसूबा नाकाम बना सकता है। लाहौर में बारिश से जलथल एक नशेबी इलाके जेरे आब, सियालकोट गुजरात गुजरांवाला में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। दीस सवात मालाकंड हरिपुर मानसहरा में भी रिमझिम की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क। बरसगीर के अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के 263वें उर्स की तकरीबात जारी, जायरीन की मजाक पर हाजिरी।